देख रहे हैं महाखबर। तो आइए आज हम बात करेंगे रॉकेटरी द नामी इफेक्ट के बारे में। ये एक भारतीय जीवनी नाटक फिल्म है जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नम्मी नारायण के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में आर माधवन फिल्म के लेखक सह निर्माता सह निर्देशक और मुख्य अभिनय की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म का अंग्रेजी हिंदी और तमिल भाषाओं में एक साथ निर्माण हो रहा है जिसके सह निर्देशन अनंत महादेवन कर रहे हैं। फिल्म का संगीत सैम सीएम दे रहे हैं। कहानी की शुरुआत तब से होती है जब नारायण क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में स्नातक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे थे। फिल्म का प्रारंभिक निर्माण वर्ष 2017 में आरंभ हुआ। फिल्म का पहला विज्ञापन अक्टूबर 2018 में जारी किया गया और 2019 में गर्मियों के समय फिल्म को जारी करने की प्रस्तावना दी गई। 2022 में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म के प्रमुख कलाकार आर माधवन, सिमरन, रंजीत कपूर, रवि राघवेंद्र, मीशा गोशल, श्याम रंगनाथन, गुलशन ग्रोवर हैं। ये फिल्म बड़े पर्दे पर 1 जुलाई 2022 में आई है। ये फिल्म 157 मिनट्स की है। इस फिल्म का बजट 60 करोड़ है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चौथे दिन में 14 करोड़ कमा चुकी है। आइए अब बात करेंगे नाम्बी नारायण जी के बारे में। नाम्बी नारायण एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में वह कार्योजेनिक डिवीजन के प्रभारी थे। 1994 में उन पर एक झूठा आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1996 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने उनके खिलाफ आरोप खारिज कर दिए। 1998 में भारत के सुप्रीम कोर्ट में वह दोषी नहीं पाए गए। उनका जन्म 12 दिसंबर 1941 त्रिवेंद्रम भारत में हुआ। उनकी आयु 80 वर्ष है। उन्होंने अपनी शिक्षा MSc प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और MTech कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।